ये देखो हमारी गाड़ी के आगे आ गया, देखो कितना प्यारा है। मुझे मोर बहुत पसंद है यार, बहुत ज्यादा। इतने सुंदर होते हैं यार, सुंदर। वो भी मेल, फीमेल सुंदर नहीं होती। फीमेल अगर तू देख लेगी ना, इतनी भुंडी होती है, भुंडी होती है मोरों के फीमेल। बाप रे, आ चुके अपने फेवरेट गैस स्टेशन, अपना फेवरेट मग्गा लेके इसमें भरने। इस गैस स्टेशन को किसी ने देख लिया, हम करते क्या, हमें बहुत मार पड़ेगी। हमारे पुराने कच्चे ना, पहले तो हम लाकर उसको धोते, पहले इसे साबुन हमसे मांझ भी लेंगे अगली बार। करते कैसे हो ये सब, करते नहीं हो जाता है। हम लोग आ गए शहर से बाहर आउटलेट मॉल, क्योंकि मेरे को लेने जूते। मेरे को भी। और ये भैया यहाँ पे सारी प्रीमियम आउटलेट है, मतलब यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। तो की तो मजे हो गए, गैस, न्यू बैलेंस, की कोच, सब कुछ है। अभी देख रहे हैं न्यू बैलेंस में, प्रॉपर स्नीकर स्टोर, सारे स्नीकर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे स्नीकर ब्रांड्स और मोस्टली नाइकी के सारे जॉर्डन, तो सारे टीम जाम सारे थे। और एक भी जूता मुझे $250 से कम नहीं दिखा, 500-600 तक के जूते थे। आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज कि सारे अच्छे स्नीकर्स एक्वायर कर लेते हैं और एक अच्छा कलेक्शन यहाँ पे देते हैं आपको। ये है नाइकी का आउटलेट मॉल, फंडा क्या है, ये जूता लगा हुआ बना हुआ यहाँ से, नीचे सारे ऊपर सारे, सब इसके साइजेस है, बस ये सारे साइजेस है भयंकर पेल के। अभी यहाँ टाइम हो रहा है 8 बजे, हम लोग आए थे 7:10 बजे, तब भी इतना सन्नाटा था पूरे मॉल में। देखो भाई पूरे मॉल में सन्नाटा है। इंडिया में तो 8 बजे मतलब महफिल जवान होती है, लोग बोलते हैं अरे भैया चल मिलते हैं 8 बजे कॉलेज के, ऑफिस के बाद चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यहाँ पे अलग सीन है बहुत ज्यादा। A little longer than a few minutes later. सन्नाटा मच चुका भाई, पूरे मॉल में सन्नाटा मच चुका। अभी 8 बजे, तो रितु ने 2 जूते लिए, मैंने 2 जूते लिए और बहुत सस्ते मिल गए यार। नहीं रितु, गजब। वॉलमार्ट थोड़ा सा खाने को उठाते, ज्यादा नहीं उठाएंगे, कल सुबह निकल रहे तो पैक करके भी ले जाएंगे साथ में। इतनी शॉपिंग की, उसके बाद रितु अपना चिपोटले से फेवरेट सामान उठा लाए। एनीवेज थोड़ा सा तेल भरा था क्योंकि कल गाड़ी वापस करनी है। गाड़ी यहाँ पे अगर बिना फ्यूल के आपने वापस कर दी, फटका बहुत लगता। खोलो भैया। रात के 10 बज गए, फाइनली बैक होम। इतनी जोर से नींद आ रही, बट अभी काम बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सामान पैकिंग नहीं की, खाना बनाना है सुबह के लिए भी। A few moments later. बेटा सो जाओ, अभी बर्तन धो रहे हो, फ्लाइट है। पैसे कट जाएंगे हमारे, उसने बोल रखा बिना धोए जाओगे पैसे कट जाएंगे, लगे रात को क्या करें। तुम लोग क्या अमेरिका में वो लोहे का जूना नहीं होता क्या, साला जल गया कुछ सामान, साफ ही नहीं हो रहा। जलाया तो नहीं था मैंने, मोटे नहीं यार। तू बना रही गुआकामोली और ये मेरा बढ़िया सब्जी का मसाला तैयार, देखो सुंदर। देखो हम लोग बना रहे बीन्स, किसी ने मेरे को बोला था कि भैया ये बीन्स को धो लिया करो, मैं धोई आज, इतनी झाग निकली इसमें से भैया, वो झाग थी अब तो सारी साफ कर दी इन्होंने। बस हार्ट अटैक नहीं आया मुझे, बाकी तो मैं मर ही गया था। क्या हो गया, ठीक हो बेटा? ऐसे कौन चिल्लाता है यार। अरे भैया वो तो मतलब क्या हो गया, सपना देख लिया क्या? अरे भैया तो पागल औरत है यार, मैं सुबह के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये खाना तैयार कर रहा हूँ, रोल्स ये मिला मिला के खाना बना रहा, एकदम सोटी पीछे मेरी फट ली भाई, जोर से चिल्लाया। फाइन, बाय बाय टू दिस लवली रूम, कॉफी एक बना ली, इसमें डाल ली मैंने, बहुत काम आया, रेस ट्रैक का मग ये। बाय बाय टू टोरिडा, बाय बाय टू टेम्पा, आसमान में भारत सक्सेसफुल रहा, इस बात की बहुत खुशी है। पहुंच चुके हैं टैम्पा एयरपोर्ट, अभी कर रहे हैं बोर्ड, सुबह सुबह मिला का फ्लाइट छूट ही जाएगी आज। 20 की फ्लाइट थी, घर से कब निकले थे हम 4:50 पे घर निकले, 5 बजे एयरपोर्ट आए, गाड़ी वापस की 5:10 पे टर्मिनल आ गए। भैया 9 मिनट का रास्ता हमारे घर से, 9 मिनट का रास्ता, वाह मजा आया। Front with the first officer Roddy Lisek on this morning's flight. Just about finished with the boarding process, so we should be ready to push back from early departure this morning. Quick taxi to the runway and a very quick 2 hours flying time up to New York. Got a great team working the back to take care of you this morning, sir. यहाँ टैम्पा में हम लोग फ्लाई करके उस दिन गए थे, पता है कहाँ? हम लोग गए थे यहाँ पे। अब रितु ये तो हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, नीचे को दिखा रहा है। अरे भाई इसको बोल के आए क्या, गलत ले जाएगा भाई, फ्लाइट प्लान गलत बना दिया उसने। अरे भाई साहब कहाँ ले जा रहा है, ये वाला है। अगर मैं यूएस में होता ना, यहाँ रह रहा होता, काम वाम कर रहा होता, ग्रीन कार्ड वगैरह होता, तो मैं अपने पास 3 जहाज रखता। एक तो सिंगल इंजन लेकिन थोड़ा सा हाई पावर, 200 हॉर्स पावर के ऊपर। एक रखता मैं मल्टी इंजन, जिसमें 4 लोगों के बैठने की जगह हो, थोड़ा बड़ा स्पेशियस, जिसमें बच्चे बच्चे सब आ जाते। एक रखता मेरे पास जेट बढ़िया, जिसमें सारी फैमिली को मैं खुद ही ले जा रहा हूँ, यूरोप ले गए, कहीं ले गए, मस्त घूमते। 3 जहाज रखता मैं, 3 जहाज। दूसरा वाला बीच में फालतू है, उसकी जरूरत है दूसरे वाले की। मेरे पास जेट कौन निकालूंगा, इतने कौन पेट्रोल बता देगा। फर्स्ट वाला किस लिए था? वो मेरे सिंगल के लिए, सिंगल के लिए, मुझे अकेले जा रहा हूँ। Wait a minute. First,
फर्स्ट वाला इज लाइक माय इलेक्ट्रिक बाइक जिससे मैं जिम जाता हूँ. सेकंड बीच वाला जो मैं कह रहा हूँ फैमिली के चालू, दैट इज माय ऑल्टो. थर्ड इज माय BMW. तीन रखता हूँ. तो पहले वाले से मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे एक लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ. वही उतारता सीधा. न्यूयॉर्क अभी यहाँ पे 8:30 हो रहा है. हमारी नेक्स्ट फ्लाइट 12:30 की है. 4 घंटे का यहाँ पे हॉल्ट है. कल रात को मैं सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ. कुछ लोग 5 घंटा सोए हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा सोए हैं. मेरी हालत टाइट है सब बहुत ज्यादा. अपना बैग गया, अभी अपना बैग गया. प्लीज ये भाई ने अपना, ये अपना बैग गया, ये अपना बैग आ गया. एक आपको बताता हूँ अंदर की बात. एयरलाइन में जब बैग जाते हैं ना, जिस बैग में फ्रेजाइल का टैग होता है ना, वो बैग उतना ही ज्यादा जोर से पटका जाता है. बैग में फ्रेजाइल या हैंडल विद केयर हो, उसका तो जो हैंडल करते हैं भैया, हैंडल ही तोड़ देते हैं उसका. से इंसान है मतलब इनकी आरती उतारे की क्या. अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे को बाहर से व्हाट्सएप कर रही है, उसमें फ्लैश की आवाज आ रही है. तो भैया बाहर आ जाओ, पहले अपना हल्के होके फिर बात कर लेना यार. इतना क्या जरूरी है भैया, क्या कह रही हो? अगर जैसे व्हाट्सएप में अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो फिर वो नीचे चले जाते, फिर वो छूट जाती है. बेटा जो हल्के होने का ना वो कहीं ऊपर चली जाए. कर लिया करो अच्छे से पहले. हम लोग अभी हैं टर्मिनल 5. अबे कहाँ चला गया, अबे अब कैसे करेंगे. तो बस वो बोर्डिंग पास दिया गया था, उसमें प्रिंटिंग कितनी किल्लत थी, इतनी किल्लत थी, आधी चीजें उसमें आई नहीं है. देखो देखो कुछ ऐसा दिया बोर्डिंग पास, इसमें आधी चीजें प्रिंट भी नहीं आई. तो अगली फ्लाइट है दिल्ली की, उसमें ये टर्मिनल कौन सा आया ही नहीं. अभी यहाँ देख रहे किस पे आएगी. न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट, हम लोग टर्मिनल 5 पे है. तो ऐसे सारे टर्मिनल बने हुए हैं. 1, 2, 3 नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4, 5, 6 भी नहीं है. सामने डॉगी आ रहा है. अगर हमारा माँ होता अभी तक भौंक भौंक के उससे टर्मिनल सर पे उठा लिया होता. सब पे ऊपर कूदता. अरे भैया सबके ऊपर कूदता हो, सबके ऊपर कूदता हो, सब पे पंजे. हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 4, एक पैदल रास्ता. हालांकि ट्रेन भी जाती है, पैदल रास्ता छोटा है. और ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा जो लगा हुआ है, इसका मतलब सामने रनवे है. ये होता है ब्लास्ट वे. जब रनवे पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है ना, तो बहुत सारी पावर लगाता है टेक ऑफ पावर, तो पीछे बहुत ब्लास्ट आता है एयरक्राफ्ट का. तो उसको बचाने के लिए रोड पे जो सामान है, जो लोग काम कर रहे हैं, ये ब्लास्ट वे. अपना जहाज ऑलरेडी आ चुका है एयर इंडिया. तो मैं जब पहली बार US आया था, तो मुझे लगता था यार यहाँ पे लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. तो वी कॉम्पनसेट बाय स्पीकिंग फास्ट. फॉर अस गुड इंग्लिश इज फास्ट इंग्लिश. जैसे अभी मैंने टैम्पा में अपने बैग चेक इन किए, तो मैंने पूछा एक्सक्यूज मी आर दीज बैग्स टैग्ड फॉर फाइनल डेस्टिनेशन. आराम से यही मैं अगर पहले आता था ना 8 से 10 साल पहले, एक्सक्यूज मी आर दीज बैग्स टैग्ड फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, तो इन माय हेड थोड़ी इंग्लिश बोली पार. लेकिन वो कहते थे हैं एक्सक्यूज मी. फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार इंडियन स्पीक वेरी फास्ट इंग्लिश, तो सबके साथ दिक्कत है ये. लेकिन है थोड़ा होता है, तो आप तेज बोलते हो इतना. अरे भाई क्या बोली है भाई, खुद ही समझ में ना, इतनी तेज बोलते थे. जब यहाँ पे लैंड हुए थे तो यहाँ से कॉफी ली थी और यहाँ बैठे थे. और अपने आसमान के भारत में GPS कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या फ्लाई करना है, उसमें विंड करेक्शन क्या लगानी है. यहाँ बैठ के 3 घंटा कैलकुलेशन की थी, और फिर अपनी आगे वाली फ्लाइट छूटने वाली थी. लेकिन कर लिया वो टे अच्छे से है. कितना रिलीफ है. नहीं कुछ ऐसा सिर्फ हम ही नहीं है जो बचा. ये देखो ये सारे लोग ट्रॉली के 3-3 डॉलर बचाते हुए खुद ही सारा सामान ढो के ले जाते हैं लोग. मेरे हाथ का खाके बता, रात को मेरा जगना सफल हुआ कि नहीं बता बता. 3 बजे तक जगा होगा तू. 3:30 जगह 4:30 उठ गया. टर्मिनल पे एक भी ढंग की जगह नहीं बैठने की. हर जगह कॉफी मिलती है 3-4 डॉलर की. यहाँ पे $15 के लिए सिर्फ बैठने के लिए. क्या करो बेटा, हिसाब $15 की कॉफी आई है, हिसाब कौन रखेगा भैया. एक एक पैसा जोड़ता हूँ मैं. यूजुअली घरों में औरतें हिसाब रखती हैं. ये औरत जो खर्चा हो रहा है पूरी ट्रिप, मैं एक ही चीज का खर्चा रखता हूँ. कुछ सामान खरीदती पीछे मैडम बिल 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 सारे बिल मैं संभाल के रखता हूँ. सारे खर्चे सबका अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, कौन सा खर्चा किस अकाउंट से हो रहा है. अरे भैया पता कल हमारा क्या कटा. अरे भैया हमने हाँ, वो तो वॉलमार्ट गए थे रात को. मैं कहा तू थोड़ा कैश निकाल लेते हैं, कभी कभी कार्ड नहीं चलता एयरपोर्ट में फंस जाएंगे, जरूरत थोड़ा कैश होना चाहिए. कहती है काम कर मैक्सिमम ही निकाल ले, क्योंकि फिर वो फीस तो कटती है. मैंने कहा $3 कट रही है. मैंने कहा मैक्सिमम 300 डॉलर था निकालने का. तो 81.85 रुपए का डॉलर था, हमको वो दे रहा है 89 रुपीज का, 88.85 रुपए का एक्सचेंज रेट. हमने कहा नहीं चाहिए. कहता है येस टू प्रोसीड नो टू कैंसिल. हमने नो कर दिया, कार्ड लेके हम निकल लिए. पीछे से मशीन में आ रहे जो पहले क्या था उसका मनी. भाई साहब लोगों को चेक कराया कि SMS आ गया बैंक से. भैया नो करने के बाद भी बैंक से SMS आ गया. हम निकल गए थे यार, मतलब सोचो निकल गए थे, पीछे से आता उसको तो नीचे सीधा $300 रखे मिलते. भगवान का प्रसाद समझ के और हमारा नोट ना निकल जाता. बच गया.
300 डॉलर भैया, और वो भी 88 रुपीज के एक्सचेंज रेट से भाई, बड़ा महंगा है। डिपार्टिंग फ्रॉम US, ये फ्लाइट ऑलमोस्ट छूटते बची। अपन क्या थोड़ा टाइम होता है ना, जल्दी पहुंच जाते हैं तो एडिटिंग में लग जाते हैं। कॉल आया इंडिया का भैया, ये देखो 380 है सिंगापुर का, बेचारे बनने बंद हो गए। अच्छा एयरक्राफ्ट था लेकिन अभी प्रोडक्शन बंद हो गई है इसकी। इसकी चालू धड़ल्ले से 777 हर एयर इंडिया के जहाज का एक टेट के ऊपर नाम है। इसका नाम देखो हिमाचल प्रदेश। हमने दोपहर के 12:30 टेक ऑफ किया था, 7:30 हो गया। 7 घंटे की फ्लाइट हो चुकी है और तकरीबन अभी 5-6 घंटे की फ्लाइट बची है। मैडम उठे आ गया से मिलेगा आज उतर के अपना सबको पीछे छोड़ के तेज भाग क्या है कि इमिग्रेशन लाइन में नंबर वन, यहाँ पे भी नंबर वन गौरव भाई। तो भैया हमारी होगी भारत वापसी, आसमान में भारत मिशन रहा सक्सेसफुल। हम वहाँ पे कह रहे थे ना फ्रजाइल उठने, बेटा हमारा ही कर दिया उन्होंने, कहा और तुम वीडियो बना के देखो। तो हमारा ये बैग तो खत्म ही हो गया भैया, ये बैग गया यहाँ से, ये बैग पूरा फिनिश हो चुका है। बैक टू आवर सोसाइटी और अब क्रिकेट इज बैक। यो मेरे को लग रहा है बच्चे इज बैक, बच्चे इज आल्सो बैक। पहले किसको को उठाया गया, रशि की पीयू को, पीयू की मम्मा नहीं आई, देख ही आया था। अरे भैया हाँ नहीं नहीं की माँ, नहीं नहीं की सुंदर लग रहा है, मैं सुंदर लग रहा है। है क्या बनाया था, मैप बनाया था। रशि तेरे को पता है आज पापा क्या करने गए हैं US में? ये पीयू भी देख रही है और ये पापा, ये रशु भी देख रही है। रशु पापा क्या कर रहे हैं पता है तेरे को आज? हाँ, क्या कर रहे हैं? इंडिया का मैप बना रहे हैं चलते चलते। कहाँ पे बना रहे हैं? यहाँ स्काई में चलते चलते, नहीं प्लेन में। हाँ, प्लेन उड़ाते उड़ाते हाँ देखा देखा था। छोड़ गई नींद, छोड़ गई, उठ गई नींद से। पापा घूमने गए हैं, पापा मेरे को नहीं ले गए, ये बोलने लगी एक हफ्ते में पीछे से अपनी भाषा में बोलती, लंबे लंबे सेंटेंस। अच्छा अब ये तुम्हारा प्यार खत्म ना हो रहा, इसको देखो सेंटेंस बोलती है कि तुम सोचो पूरे वाक्य बोलती है। हमको न्यूयॉर्क में कुत्ते देखे थे, इतने सभ्य थे माओ, इतने सभ्य कुत्ते थे वो। वहाँ पापा एयरपोर्ट पे कुत्ते लेके आते लोग, इसको ले जाए तो बाप भौंक भौंक के परेशान करते सबको। हाँ चीजी आई है चीजी, क्या ये बताओ, सोचो जरूर। ओपन 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 पापा को ना, मम्मा को नहीं, पापा को। दादू को ये लो ब्रश भी दे रही है। दादू को तो पीयू, उसको मेरे से लो। ये अरे वाह क्या बात है, वाली सरप्राइज लेके आई है। क्या है भाई? आइस क्लोज दिखाओ। क्या है ये, क्या मैंगो है? कार्ड है, खोलू। ओह कायरा, जी से पापा, आर से मम्मा, पी से पीहू, आर से रशि। हाँ कहती है मैंने कोई गिफ्ट बना के लिए, फिर कहती है दीदी ने फेंक दिया, अभी जाके दोबारा बना के लाई है चुपके से। One hour later, बहुत बड़ा कांड हो गया है? कल मेरा इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है, यहाँ गलत डेट मार दी, पूरा यहाँ से उड़ गया यार। आप वैसे वो बेंच कट कर लिया, खराब लगेगा यार, क्या करें। देखो ज्यादा काट दिया आपने, 0 मिनट चला दी ना, 3 नंबर चलाता हूँ मैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अभी निपटा रहे अपनी अनपैकिंग, दिस इज वन पेयर ऑफ स्नीकर्स व्हिच आई गॉट, बढ़िया स्नीकर्स मिले अपने को। तो ये प्यूमा का एक स्नीकर्स लाया, किया है और एक यहाँ पे है। दूसरा मैंने लिया ये वाला नाइकी का, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अच्छा खासा हेक्टिक दिन हो गया आज का भी, और दिक्कत की बात यह है कि जब आप फ्लाई करते हैं वेस्ट तो आपका रूटीन अच्छा आता है, वहाँ सुबह 4-5 बजे उठ के नाश्ता भी बना देते थे, जल्दी रात को सोते थे। जब आप वापस ईस्ट फ्लाई करते हैं ना, पूरे आपके स्लीप साइकिल की ऐसी की तैसी। अभी बज रहे हैं सुबह के 3, अभी तक सोया नहीं, और कल सुबह 6 बजे हमें फिर मुंबई निकलना है, बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे वहाँ काम कर रहे हैं। 3 घंटे की नींद है, पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करी है, भगवान बचाए सुबह यार।